दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे ट्रैवलिंग चैनल #GypsyMusafir113 में, और मैं हूँ आपका दोस्त सुशील इन एसोसिएशन विद माई एजुकेशन चैनल #RawSir113। और दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बेंगलोर गार्डन सिटी के बहुत ही ऐतिहासिक स्थल, बहुत शानदार जगह बेंगलोर फोर्ट में है, बेंगलोर किले के अंदर। आप देख सकते हैं बढ़िया, बहुत शानदार, अभी भी मजबूती से खड़ा है। मैं इसको कवर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और ये सिटी मार्केट से ठीक करीब में है, तो इसके आगे आप जा सकते हैं। हम लोग टीपू सुल्तान मैसूर पैलेस भी वहाँ जाने वाले हैं, तो रास्ते में पड़ गया, रास्ते में यहाँ रुक के कवर कर रहा हूँ दोस्तों आपके लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया, यहाँ पर पीछे अच्छा गार्डन भी बना हुआ है, वो भी मैं कवर करता हूँ आपके लिए। देख सकते हैं आपको आने के लिए यहाँ पर सिटी मार्केट में आपको उतरना है, और वहाँ से तो वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है। अरे ये क्या अंदर बंद है? कहाँ से जाना है हम लोगों? बस इतने ही, ऊपर ऊपर भी नहीं जाना है। तो दोस्तों, अंदर से प्रोटेक्शन के लिए ताला लगा दिया गया है, तो हम लोग को फिर बाहर आउटर देखने का ही परमिशन है। तो कोई बात नहीं, हम लोग 5-6 मिनट इसको भी कवर करेंगे। तो काफ़ी, यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू है, तो मैं उसको कवर करता हूँ आपके लिए। देख सकते हैं आप पीछे बढ़िया, बहुत लंबी लंबी दीवार है, और ये पीछे आप देख सकते हैं बहुत शानदार नज़ारा है ये। ये स्लो में मैं कवर करता हूँ आपके लिए। पीछे बढ़िया सा गार्डन है, और काफ़ी भव्य है दोस्तों। और जैसे पहले बना था वैसे आज भी, इसमें कोई भी ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, बिल्कुल उसी मजबूती के साथ खड़ा है। आप यहाँ से देख सकते हैं कपिल काट फॉल को, जानते हैं आप कपिल काट फॉल को? यह पीछे है, यहीं तक है दोस्तों। इसके आगे तो दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, तो भी हम इसको कवर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर फोर्ट में सब गेट में ताला लगा दिया गया है, तो भी आप बाहर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब बना होगा तो कितना भव्य रहा होगा। और पीछे आप देखिए पत्थर का पूरा सेटअप है, बहुत बढ़िया है, तो यही मैं आपके लिए कवर करता हूँ। और ये बहुत ही खूबसूरत, आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा बड़ा पत्थर है, सोचिए कैसे इसको बनाया गया होगा ये, और आज के समय में तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। ये सब जेसीबी से रखा गया है। जेसीबी कैसे? जेसीबी मतलब हैड्रा से ये सब रखा गया, हैड्रा है। उस समय कहाँ था जेसीबी? नहीं, आज बना है। अच्छा, ये हमारे एक नए टूरिस्ट हैं, इनके हिसाब से ये आज बना है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप भी देखिए कितना, जब बना है तब कितना भव्य रहेगा, आज भी बहुत ही शानदार रही है। आपके लिए आवश्यक चीज है, आप घर को धोकर आए और उसमें तेल लगा के आए, क्योंकि वहाँ पर पहले का बर्थडे मनाते मनाते आपकी गांड माफ हो जाएगी। यहाँ नहीं जा सकते? यहाँ ओ भैया, यहाँ जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ काफी शानदार भव्य आपको। हेलो दोस्तों, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित शर्मा है। वो बंद किया आपने? हाँ, मोबाइल मैंने बंद। हाँ शर्मा जी, तो दोस्तों हमारे साथ एक अच्छे टूरिस्ट हैं रोहित शर्मा जी। शर्मा जी का मैं स्वागत करता हूँ, और आप हमारे ट्रैवलिंग चैनल #GypsyMusafir113 में है। मैं आपका
तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और धन्यवाद। कैसा लग रहा है बताइए आपको किले के बारे में? किला अभी तो इतना अच्छा लग रहा है, किला मतलब बहुत बहुत ही शानदार बनाया गया है इस किले को। जी जी, आप कहाँ से हैं शर्मा जी? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं अभी आया हुआ हूँ हॉस्पिटल, ये बगल में हॉस्पिटल। अच्छा, कुछ ट्रीटमेंट वगैरह? हाँ, पापा जी का ट्रीटमेंट हो रहा है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कहाँ से हैं आप? छत्तीसगढ़ में रायपुर से हूँ मैं। अच्छा, तो शर्मा जी भी रायपुर से हैं, मैं बहुत बधाई देता हूँ उनको। और बताइए बेंगलोर में कहाँ कहाँ आपने कहाँ कहाँ घूमे आप? मैं तो बेंगलोर में अभी मेट्रो स्टेशन घूमा और ये कॉलेज वॉलेज देख लिया मैंने दो तीन ठो। अच्छा अच्छा अच्छा, मेट्रो स्टेशन मतलब पहली बार देखा मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप मेट्रो सिटी में ही पहली बार गए ऐसा कुछ? हाँ, है लग रहा है पहली बार गए हैं। अच्छा, पहली बार आए हैं यहाँ बेंगलोर। और घूमने को तो बहुत जगह घूमे हैं हम। तो वो कौन कौन सी जगह थोड़ा बताइए ताकि हमारे दर्शक कभी बेंगलोर आए तो जरूर वो घूमें। आइए चलते चलते बात करते हैं। बिल्कुल बताइए साहब। ना मैंने पहली बार आया हूँ मैं बेंगलोर और तो मैं घूमने को तो ज़्यादा घूमा नहीं हूँ, यहाँ बस मेट्रो वेट्रो देखा हूँ और कॉलेज। अच्छा, कॉलेज घूमे आप? जी जी जी, और कोई बात नहीं। तो ये किला ही बहुत ही शानदार भव्य लग रहा है तो वाकई में, क्योंकि कितने लंबे लंबे दीवार हैं, तो कैसा अनुभव है आपका? इसके पहले और कौन से किले आपने देखे होंगे? मैंने वो जयपुर वाला किला देखा। अच्छा, है। राजस्थान भी आप वो आए? बढ़िया। अच्छा, प्रॉपर वहीं के हैं? अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक 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 ठीक, तो बहुत अच्छा। तो राजस्थान के बारे में बता दीजिए ताकि मैं भी, या हमारा ट्रेवलिंग चल रहा है तो हम लोग क्या होते हैं अलग अलग जगह में हम लोग जाते रहते हैं, तो अभी मैं राजस्थान का भी प्लान अप कर रहा हूँ और हमारे दर्शक भी जो लोग जानना चाह रहे होंगे तो उनको ज़रूर बताएं आप कि अगर कोई व्यक्ति राजस्थान में आता है घूमने के लिए तो कौन कौन सी जगह में वो घूमने का पकड़िए थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा बता दीजिए। अगर आप राजस्थान गए तो आपको पहले जयपुर जयपुर में उतरना पड़ेगा। तो जयपुर में उतरने के बाद आपको फिर वहाँ से ऑटो पकड़ के आपको जाना पड़ेगा। सर थोड़ा मैं भूल चुका हूँ सर, मैं मतलब कोई बात नहीं, कुछ नाम कुछ भी आपको ध्यान आ रहा तो बता दीजिए कि कुछ कुछ जो जो जगह होती है ना फिंगरप्रिंट में जो रहते हैं। सर मैंने तो उतना ज़्यादा नहीं घूमा है। राजस्थान के हो लेकिन घूमना नहीं हो पाया? घूमा हूँ सर लेकिन मैं। अच्छा अच्छा, ध्यान कोई बहुत दिन हो चुका है मेरे को सर। अच्छा अच्छा, ऐसा भी है क्या? अच्छा, और कोलकाता भी घूम चुका हूँ सर। अच्छा अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि आप ये कवर कर रहा हूँ मैं इधर आ जाइए, आप हो राजस्थान के लेकिन अभी रहना आपका रायपुर में हो रहा है ऐसा कुछ है? क्योंकि पापा वहाँ पर जॉब करते हैं। ओहो, ठीक ठीक ठीक। ये किले के बारे में बात करते हैं, कैसे लग रहा है आपको? ये किला बहुत शानदार है। हाँ। ये किला मतलब बहुत ही पुराना किला है और ये हमारे पूर्वज बनाए हैं ये इस किले को। अच्छा, कौन बनाए हैं? अच्छा ठीक ठीक। तो दोस्तों देखा आपने, शर्मा जी ने बहुत अच्छा बताया और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। सर आपका चैनल बताना सर। मैं अभी बताऊँगा, बिल्कुल अभी मैं क्लोज करके ही रुको आप। तो दोस्तों काफ़ी शानदार अनुभव कर रहा हूँ मैं, हालांकि अंदर जाने तो नहीं दे रहे हैं लोग, लेकिन बाहर से ही आप अनुभव कर सकते हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से बना हुआ है, बहुत बड़े बड़े पत्थरों के साथ। और यहाँ पर एंट्रेंस में भोलेनाथ का मंदिर भी है और मंदिर भी अभी बंद है लेकिन मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ छोटे भोलेनाथ के दर्शन करवा दीजिए। और फाइनली दोस्तों यहाँ पर ये गेट में हम लोग बाहर निकल के मैं क्लोज करता हूँ, लेकिन आप पीछे देखिए बहुत ही शानदार बड़े बड़े पत्थर के बड़ा आश्चर्यचकित तरीके से आश्चर्य लग रहा है कि इतने बड़े पत्थरों को कैसे ऊपर ले जाया गया होगा। तो आप देख सकते काफ़ी बड़ी बड़ी दीवारें हैं और काफ़ी शानदार है। दोस्तों निकलने के बाद मैं गेट में क्लोज करता हूँ। आइए शर्मा जी, आइए आइए यहाँ क्लोज करेंगे, आपको मैं आपको डिटेल बताता हूँ। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर किले से बाहर निकल रहे हैं और ये किले में बाहर निकलने के पीछे उद्देश्य ये है कि मैं चाहता हूँ कि पीछे का आप एंट्रेंस देखें, बढ़िया शानदार उसका बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर सीढ़ी है लेकिन बंद कर दिया गया, नहीं तो हम लोग ऊपर भी जाके कवर करते हैं। और इसका एंट्रेंस बहुत ही शानदार है दोस्तों, ये देखिए आप। और यहाँ पर अगर मैं पीछे दिखाऊँ तो बहुत शानदार सीढ़ी है, तो उसी से हमें राजा महाराजा जो है जाया करते रहे होंगे, लेकिन यहाँ से अभी जाना मना है इसलिए यहाँ पर मैं क्लोज कर रहा हूँ दोस्तों। और मैं हमारे चैनल के माध्यम से शर्मा जी को भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारे साथ हैं और काफ़ी अच्छा उन्होंने बताया। और दोस्तों आप सभी को ये चैनल को देखने के लिए और सब्सक्राइब करते रहे इस चैनल को। बिल्कुल, हमारे चैनल का नाम मैं बता देता हूँ, आप मेरे साथ बोलिए हैशटैग
हैशटैग जिप्सी मुसाफिर, जिप्सी मुसाफिर 113। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहें और फॉलो भी करें। बहुत बढ़िया, थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू थैंक यू।